अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मेरी जो है बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई है, 10:30 का टाइम हो रहा है और मुझे जाना था बच्चों के स्कूल उनका रिज़ल्ट लेने। सो रिज़ल्ट तो 31 को जो है वो अनाउंस हो गया था, बट मैं जा नहीं सकी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब मैं उनका रिज़ल्ट लेने जा रही हूँ। आई होप अच्छा रिज़ल्ट आया होगा। सो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है और मैं आकर बताती हूँ कि कौन बच्चा जो है क्या पोजीशन लेकर आया है। सो अभी हम लोग चलते हैं स्कूल की तरफ और फिर रिज़ल्ट लेकर आते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं। हम लोग जो हैं बच्चों के स्कूल तक पहुंच गए हैं। वो भी है। हो रहा है कुछ? मैं घर आ गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं तीनों पास हो गए हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है लोगों का। हुरिया का मुझे सबसे ज़्यादा डर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई वो भी जैसे तैसे। तो आरएस का जो है एक ए प्लस ग्रेड बना है, साहिल का भी माशाल्लाह से, और हुरिया जो है वो पास आई हैं, उनका ग्रेड बस पास हो गए, ये बहुत है। सो अभी जो है हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता वगैरह मैं लेकर आई हूँ डेलिश बेकर से, और अभी अपने हस्बैंड को जो है मैं खाना शाना दे रही हूँ। उन्होंने खाना है राइस और हम लोगों ने बनाया था रात में कीमा, तो उन्होंने कहा मुझे राइस और कीमा ही दे दो, बाकी आप लोग नाश्ता करो। चाय मैं बना रही हूँ, पेटीज मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। असल में मेरे बच्चों के रिज़ल्ट जो हैं वो थोड़ा लेट इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हुए थे, क्योंकि वो लोग लेवल में, तो लेवल वालों के जो क्लास एग्ज़ाम हैं वो थोड़ा लेट हुए थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, 15 जून तक इनके पेपर्स थे। सो अभी जो है लोग जो है खाना शाना गर्म करते हैं। सो अभी मैं चाय वाय बनाने रखती हूँ, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं नाश्ता। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर गए थे स्कूल। क्या दे स्प्रिंग रोल? स्प्रिंग रोल लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अभी मैं सब नाश्ता लेकर आ रही हूँ अंदर बेटा, तो मैं अंदर लेकर आ रही हूँ नाश्ता, रुक जाओ। गुजर डेयरी का ये दूध जो है इतना कोई अच्छा होता है। साहिल मेरा मोबाइल पकड़ेंगे आप? मैं दूध डालूँगी। शाबाश साहिल, आप मेरे साथ व्लॉगिंग करने लगो ना, कैमरामैन बन जाओ मेरा, ठीक है कैमरामैन। ये क्या, ये क्या कैमरामैन, ये तो तुम अपना हाथ ही सही नहीं रख रहे भाई। हाँ साहिल, साहिल चले जाइए, मुँह धोए, जाइए मुँह धोए, बल्कि शॉवर ले लें, शॉवर ले लो, जल्दी से जाइए। ये मुझे व्लॉगिंग नहीं करने देता, बस मेरा मोबाइल अपने पास रखता है लड़का। हाँ चले जी, गरम हो गया है पप्पा का खाना साहिल के। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा गरम हो गया। सो अभी जो है हमारे हस्बैंड जो है ये खाएंगे, बहुत मज़े का लगता है। आप लोग खाते हैं स्टू के साथ राइस, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ जी हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है, और ये स्प्रिंग रोल कैसा है आरएस? साहिल ये आरएस को बहुत पसंद है स्प्रिंग रोल, ये आरएस की नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन आरएस जो है वो कीमा खाने में बैठ गया। ये पेटीज लेकर आ गई थी, अंडा मैंने अपने लिए फ्राई कर लिया, राहिल ने माशाल्लाह से फिनिश कर दिया है, और डेलिश बेकरी के ये स्टीक खारे जो हैं ये इतने कोई मज़े के होते हैं ना, और अभी बिल्कुल गर्म गर्म हो रहे हैं ताज़े, तो मैंने ये चीज़ें ली हैं, ब्रेड ली है, ये नाश्ता लेकर आए हैं। अभी हम नाश्ता करते हैं। A few moments later. स्कूल से आने के बाद जो है मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, सो रही थी, और अब उठ गई हूँ। और आप लोग क्या कर रहे थे जब से, क्या कर रहे थे? आपका अकाउंट बंद हो जाएगा बता दूँगा तो। क्या अकाउंट बंद हो जाएगा बता दूँगा तो? क्यों ऐसे क्या कर रहे थे? और मेरी दाढ़ में इतनी शदीद तकलीफ़ हो रही है ना, और अभी मैं जो है दाढ़ निकलवाने जा रही हूँ अभी।
बस रात भर जो है बहुत तकलीफ रही है। अभी मैं लंच वगैरह कर रही हूँ, गरम कर रही हूँ और मेरा खाना हो गया है गरम। और दूसरी तरफ जो है वो चाय बन रही है। अभी मैं खाऊंगी खाना, उसके बाद जो है चाय पियेंगे। और मैं अपनी बहन के घर पर ही रुकी हुई हूँ कल से, क्योंकि मुझे जाना था स्कूल, बच्चे होते हैं अकेले, इसलिए मैं यहीं स्टे रुक गई थी। और बच्चों को उनकी खाला के ऊपर ही छोड़कर जो है बच्चों का रिजल्ट वगैरह लेने चली गई थी। अब मैं जाऊँगी बच्चों का कोर्स और यूनिफॉर्म वगैरह लेने के लिए। तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है। और आप लोग बताइए, आप लोग के बच्चों के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कैसा रिज़ल्ट आया था, क्या आए थे, पास आए थे, फर्स्ट आए थे, पोजीशन ली थी, ये किसी पेपर में रह गए थे, जो भी था आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। खाने में मैं बना रही हूँ बिरयानी बच्चों की फरमाइश पर, बच्चों ने खानी थी बिरयानी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो जी हम बना रहे हैं बिरयानी, बाकी टमाटर शमाटर काट लिए हैं, चिकन आलू वगैरह भी धो लिए हैं, या पुदीने के पत्ते निकल रहे हैं। क्या हुआ आज जो है वो आरिस बिरयानी बना रहे हैं। आरिस आप बिरयानी बना रहे हो? आरिस प्याज को तो चलाओ, जल रही है बेटा। तो बस बच्चों से हमने पूछा है कि हम खाना क्या बनाएं, तो बस सबने बोला कि बिरयानी बनाएं, तो हम लोग जो है वो बिरयानी बना रहे हैं। तो यहाँ जो है प्याज वगैरह क्रश कर ली थी मैंने, और आरिस जो है बनाने आ रही, मिर्चें लग रही हैं प्याज से, आजकल इतनी मिर्चों वाली प्याज आ रही है। ये सब चीज़ें जी काट वाट के रख दी हैं। ये शान का हमारा बिरयानी पैकेट, दही वगैरह ये सब चीज़ें, चिकन वगैरह भी वॉश कर ली है। चल चल ऐसे नहीं चलाते, हलीम थोड़ी बना रही, बिरयानी बना रहे हैं हम लोग भाई। इसको है ना ब्राउन होने के लिए रख दो, हल्की आँच करते हैं हम इसकी, बहुत तेज़ हो रही है भाई। सही है जी। और हमारी जो है आलू और चिकन भी जो है वो वॉश है। आज आप लोग को पता है मैं अपनी सिस्टर के घर पर हूँ, तो आज अभी हम लोग खाना शाना खाएंगे। वो कह रही है आज भी आपने रुकना है, अभी नहीं जाना घर अपने। अच्छा भाई, आप लोग को पता है मैं अपनी सिस्टर के घर पर हूँ, और वो आज भी मुझे यहीं रोक रही है, कह रही लगी कि अभी आज भी आप यहीं रुको, क्योंकि जब से मैं यहाँ से गई हूँ ना घर छोड़कर, तो वो बहुत ज़्यादा बोर होती है, अकेली होती है। ये वाली लाइट्स ऑन करो अरे, ताकि मेरा कैमरे में जो है वो अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा जी, तो मेरी सिस्टर जो है मुझे आज भी यहाँ पर रोक रही है कि आप आज भी यहाँ पर रुको, क्योंकि जब से मैं गई हूँ ना वो बहुत ज़्यादा बोर होती है, अकेली रहती है। तो बस ऐसा होता है कि हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, तो बस आना जाना रहते ही है। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी, क्योंकि सब घर वाले आए हुए थे, और क्या कहते हैं बिरयानी लोगों को मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस वजह से मैं ही बिरयानी बना रही हूँ। बाकी ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं आप लोग के घर में, हो रही हैं मक्खियाँ इस मौसम में बहुत ज़्यादा होती हैं, जब मैंगो आता है और बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। आरिस माशाल्लाह से A+ ग्रेड आए, तो आरिस ने क्या चाहिए आरिस आपको? बैट चाहिए इसको, लेकिन इनके पापा जो है इनको साइकिल गिफ्ट कर रहे हैं, और ये बेचारा बच्चा जो है मेरा मासूम अपने बैट के चक्कर में कह रहा है बैट बॉल दे दो मुझे बस, इसका फेवरेट गेम, क्योंकि इसका बैट जो है ना फेंक दिया ना आपने रक्षे में से, रक्षे में से गिर गया इनका। ये लोग फार्म हाउस लेके गए थे, जब रक्षे में हम लोग वापस आ रहे थे तो ये सो गए थे शायद, हाँ हाथ से छूट गया था, फिर हाँ गिर गया था। सो ये कह रहे हैं कि मुझे बैट बॉल चाहिए, तो बैट बॉल आपकी मम्मा आपको दिला देंगी, ठीक है, हाँ, और साइकिल पापा दे देंगे, ठीक है। और हुरिया ने बोला है मुझे कहीं आउटिंग पर लेकर चलें डिनर पे, मेरे लिए यही गिफ्ट है, तो मैं उसको एक ड्रेस गिफ्ट करूँगी और आउटिंग पे ले जाऊँगी उसको बैट बॉल। और साहिल तो हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो करता है माशाल्लाह से, तीनों बच्चे जो हैं प्रमोट कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बोला थोड़ा मुझे हुरिया पे डाउट था, एकदम सेकेंडरी से जो है वो लेवल में गई हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका डर था। माशाल्लाह से अब वो 8th क्लास में जा चुकी हैं, आरिस जो हैं वो 3 में जा चुके हैं, और साहिल जो हैं बिगनर्स 2 में जा चुके हैं, KG 2, हाँ वही बिगनर्स 2 KG 2 आजकल नाम से रख दिए गए हैं क्लासेस के। तो अभी मेरी प्याज जल रही है, तो फिर वापस पता करती हूँ। पापा को मैसेज कर दिया था आपने? तो गाइस मैंने बिरयानी बना चुके हैं, ये देखिए मसाला, यही गर्म हो रही है पतीली, इससे हटाए हैं मेरा मसाला, देखें गाइस मसाला तैयार कर दिया, आरिस ने जो है बिरयानी का मसाला तैयार कर दिया है।
झूठ बोल रही है। सारे बच्चे जो है स्लैब पर चढ़कर बैठे हुए हैं, बस नानी बैठा हुआ। ये हुरिया ने जो है दही फेंट ली है, बहुत बढ़िया काम किया हुरिया ने। बाकी यहाँ पर राइस, अरे चम्मच निकालो यार, झाड़ो उसको तेल इसका। तो ये इसने खाना बनाया। ये हमारे राइस भी जो है वो बॉयल हो गए हैं ऑलमोस्ट। पलक सॉरी इम्तियाज के पूनम राइस यूज़ करती हूँ मैं, ब्लू वाले बहुत अच्छे होते हैं बासमती चावल। ये देखें जी हमारे चावल जो है वो बॉयल हो गए हैं। अच्छा मैं एक कनी भी नहीं छोड़ती क्योंकि बस मैं फुल बॉयल करके दम पर लगा देती हूँ। सो बच्चों आप लोग एक्साइटेड हो बिरयानी खाने के लिए? नो क्यों, अभी इनका पेट भरा, बस राइस वगैरह खा लीजिए। अभी जो है मैं इतने चावल रख लेती हूँ, उसके ऊपर जो है मैं सालन की तह लगाती हूँ। ठीक है अब हमारे सालन की तह लगेगी जी इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मुझे पता है मेरे घर वाले जब मेरा व्लॉग देखेंगे ना, लोगों के मुंह पे जो है पानी आ जाना है। तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की बिरयानी। ठीक है अभी हम इसमें जो है, ये मैंने थोड़ा सा सालन बचा लिया है, अभी हम इसमें जो है वो चावल और ऐड करते हैं। ये रहे हमारे मजीद चावल। ठीक है धुआं निकल रहा है, गरम गरम चावल हो रहेंगे। अभी हम थोड़े से इसमें बचा देंगे। ठीक है क्या कह रहे हो? चले मैं भी पूरा दम दे देती हूँ फिर आप लोग को दिखाती हूँ। सो जी मैंने यहाँ पर मज़ीद जो मसाला था और डाल दिया है। ठीक है आरिस पकड़ो, मैंने डाला है अम्मा। अच्छा भाई आरिस ने डाला। ठीक है भाई ऐसे ऐसे वाला काफ से कच्ची वाला सही है, पेट से पक्की वाला। यू पकड़ो ना, मेरे एडिटर बनोगे तो अच्छे से बनाओ ना हमारी वीडियो। चले जी ठीक है, जर्दे करेंगे जी, जर्दे करेंगे। ठीक है इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। कैमरा बहुत हिला रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? कैसे एडिट कर रहे हो तुम मेरा? चलें जी हमारी बिरयानी हो गई था, अब हम इसको रख देंगे हल्की आंच पर दम पर। सो जी गर्मी से जो है वो बुरा हाल हो गया है और यही व्लॉग का करूँगी एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाएँ और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।